शेर सिंह भाई, मेरा नाम ही शेर सिंह है, हूँ मैं बंदाई। खोल दे दरवाजा, ये कमरा मुझे अलॉट हुआ है रहने के लिए। फर्स्ट ईयर? हाँ हाँ, फर्स्ट ईयर। और भाई जी, माई सेल्फ खड़क शेर सिंह, गांव पुंदी, डाक खाना बसिया, तहसील जगनानू, जिला लुधियाना। दीप सोदी रोपड़। दीप सोदी रोपड़, बस इतना ही। भाई जरा मेरा एक काम कर ले, मेरा सामान उठा ले, बहुत थक गया हूँ यार मैं। क्या बात है, रूम में क्या क्या लगा रखा है? ओ नहीं नहीं भाई, कुंडी खुली रहने दे, अच्छी हवा आएगी यार। अरे नहीं यार। क्यों भाई? अरे यार, सीनियर्स रैगिंग के लिए स्टूडेंट्स को इधर उधर घुमाते रहते हैं, सुना है बड़ी गंदी रैगिंग होती है इस कॉलेज में। रैगिंग? हाँ यार। कौन है भाई? तेरा बाप, दरवाजा खोल। अरे मत खोल यार, सीनियर है। क्या बात कर रहा है यार, खोलना तो पड़ेगा, क्या पता कोई अच्छा बंदा हो। अरे क्या खाक अच्छा इंसान होगा, बिना इंट्रोडक्शन के बाप बने जा रहा है। पहले सॉरी बोल, एक बार बोलने से दरवाजा नहीं खोलता। सॉरी भाई। क्या कहा? सॉरी भाई। भाई जी, अपने सीनियर के साथ बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? यही सीख के आया घर से? मुझसे जब भी बात करनी है तो हर शब्द के पीछे जी होना चाहिए, समझा क्या? आ गई जी। हर शब्द के पीछे जी, समझ जी, आ जी, गई जी। हाँ हाँ भाई शाहरुख खान, तू भी समझ गया ना? जी बिल्कुल जी, आ गया जी। हाँ तो चलो भाई, अपने अपने बैग खोलो और सामान चेक कराओ। जी सारा जी, सामान जी। तू एक बार में नहीं समझता क्या? हाँ हाँ भाई, खोल बैग अपना। ये जी बनियान है जी, ये जी नाड़ा है जी, ये जी कच्चा है जी, ये जी सॉक्स है जी, ये जी और कुछ नहीं है जी। पीछे क्या छुपा रहा है? ये जी अंग्रेजी जी, पिताजी जी कहते थे जी, मेरी जी थोड़ा जी हाथ जी टैंग जी। कुछ खाने के लिए भी लाया है, बस किताबें ही दिखाता रहेगा। हाँ जी हाँ जी, ये देखो जी,
ये गुड़ जी। और ये जी बेबी जी, दिया जी, पिनिया जी, बहुत जी स्वाद। हाँ ठीक है। हाँ भाई तू क्या लाया है? किताबें जी, इंग्लिश जी, इकोनॉमिक्स जी, पॉलिटिकल साइंस जी। अबे तेरा दिमाग तो ठीक है ना जी? अबे जब ठेके जाना हो तो साथ में दारू लेके नहीं जाते, समझा? जी मैं जी कभी जी ठेके जी नहीं जी गया जी। चल भाई पढ़ा, 19 का पहाड़ा सुना। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 57, 19 चौके 76, 19 पंजे 95, बस रुक जा भाई। 114 कितने नंबर आए तेरे प्लस टू में? 94% जी। हाँ जी, तो तू फिर यहाँ क्या कर रहा है? मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज जा? ओ जी करते हैं जी, बिल्कुल जी, घर पे जी, मम्मी जी अकेले हैं जी, इसलिए जी। अबे घर से कोई अच्छी चीज भी लाया है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मिस पूजा जी का टेप जी। वो सुन बे, मैं थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ। मेरे आने से पहले रूम अच्छी तरह से पोछा मार के साफ होना चाहिए, हुँ? और जरा सी भी गंदगी हुई ना तो मैं तुमसे पूरे कॉलेज के हॉस्टल की सफाई कराऊंगा, समझा? जी आ गई जी। भाई जी, आपका जी नाम जी? गुरु जी। गुरु जी ओ बात सुन भाई, तू किधर जा रहा है? सुसु जी कमाल का आदमी है यार। चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, मुझे भी पेशाब जी करना है। और क्या, बड़ा डरपोक है यार तू, चल मेरे साथ। मेरे सबन उठ बैठ, उठ बैठ, चल मुर्गा बन जा, अबे बोला ना तुझे, उठ। रुको है। क्या बात है छोटू? हम खुद चलकर फ्रेशरों से मिल रहे हैं और तुम खिसके जा रहे हो, क्या बात है? सीनियर से इंट्रो करने का दिल नहीं करता? जी तो करता है भाई जी, पर डर बहुत लगता है। वो कहते हैं ना, पुलिस की दोस्ती भी अच्छी नहीं है और दुश्मनी भी। जुबान बड़ी लंबी है तेरी, चल इसी जुबान से टॉयलेट साफ कर। जो खुद करेगा तो एक करनी पड़ेगी, मैं करवाऊंगा तो सारी करनी पड़ेगी। भाई अभी हमें जाने दो, हमारी बहुत रैगिंग हो चुकी है। मेरे अलावा कौन आ गया तुम्हारी रैगिंग करने वाला? गुरुजी ने ली है जी। गुरुजी? खसम लगता है वो तेरा, बड़े प्यार से नाम ले रहा है उसका। सीनियर है ना इसीलिए। गुरु तुम्हारा सीनियर? ओए छोटू तुम्हें बेवकूफ बना गया वो, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है वो। हाँ जी हाँ जी, पिछले 2 साल से फेल हो रहा है नालायक, अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, कमीनगी पे उतर गया है। मुझे लगता है उससे 2-2 हाथ करने पड़ेंगे। तो आज कर ही ले जो बात करनी है मेरे साथ। देख सब्बू, फिजूल की बातों के लिए रोज रोज मेरे पास टाइम नहीं है। मेरी पिन्नी, मेरी बात ध्यान से सुन गुरु। अब तक तो मैं तेरा लिहाज करता आया क्योंकि तूने मेरे साथ कॉलेज ज्वाइन किया था, पर अब बहुत हो गया। तू फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और मैं तेरा सीनियर, ये बात कभी मत भूलना। नहीं भूलूंगा और ना तू मुझे भूलने देता है, नहीं तो मैं इतनी बकवास किसी के बाप की भी नहीं सुनता। तेरी तो अरे चलो रे, आज कोई रैगिंग नहीं होगी।
ओहो भाई, आज हम दोनों को बड़ा अच्छा उल्लू बनाया है। जी जी करके हमारी जीव भी उलट गई। पता है दीप तो बाथरूम को भी इज्जत देने लग गया था। बड़ा रिस्पेक्टफुल बंदा है यार। पिन्निया बड़ी स्वाद है भाई है? मुझे तो लग रहा था कि मम्मी की पिन्निया मेरे तो नसीब ही नहीं होगी, पर कहते हैं ना मुरादें पूरी होती है। आह क्या बात है मम्मी, जन्नत का स्वाद आ गया। भाई बात सुन, तेरी तो इंट्रो हो गई, अब हमारी भी इंट्रोडक्शन ले ले यार। ये है दीप सिंह सोंदी फ्रॉम रोपड़ एंड माई सेल्फ खड़क शेर सिंह, गांव कुंदी, दाखाना बसिया, तहसील जगनानु, जिला लुधियाना। एक्चुअली जी, हम आपसे कहना चाहते थे जी कि हमारी रैगिंग तो बचा ली। थैंक यू जी गुरु जी। थैंक्स बोलना है? हाँ जी हाँ जी। रूम 420 में जाओ। हाँ जी। वहाँ पुंडी नाम का एक बंदा है जिसके पास मेरा कुछ सामान है जी, वो लेके आओ। ठीक है। ओ कौन है भाई? हाँ भाई कौन है तुम? माई सेल्फ खड़क शेर सिंह, गांव कुंदी, दाखाना बसिया। यार जहाँ देखो वहाँ बोलना शुरू हो जाता है। पिंड पुंडनी, मौका भी तो देख लिया कर यार। ओ यार मैं तो ऐसी जान पहचान बना रहा था, ऐसी काम होता है भाई। ओए चंगो मंगो, ये लड़ना बंद करो और पहले ये बताओ किस काम से आए हो जी? पुंडी जी आप ही हो जी? हाँ जी मैं ही हूँ, अगर शक हो तो डंक मार दूं जी। गुरुजी ने अपने सामान के लिए भेजा है जी। अच्छा एक मिनट रुको यही। ये लो पकड़ो, निकालो 350 रुपये। हाँ रुपये, बियर फ्री में चाहिए क्या? नहीं भाई नहीं, दूसरा कमरा मिलना तो बहुत मुश्किल है। सर जी प्लीज कुछ तो करो प्लीज सर जी। तुम लोग समझते क्यों नहीं यार, यहाँ कमरे हैं थोड़े और लड़के हैं ज्यादा, वैसे ही हॉस्टल चिड़ियाघर बना है। फिर सर जी आप ये करो, हमें किसी बंदर वंदर के साथ ही रख दो। मैं तो कहता हूँ सुअर भी चलेगा, हम लोगों को बचा लो एक बार कृपा करके। तुम समझते क्यों नहीं यार। सर जी आपसे विनती है जी, आप ही कुछ करो। अब देखो भाई, ये तुम्हारा कमरा है, कमरा नंबर 340। बिल्कुल इसके सामने है कमरा नंबर 320, जहाँ तुम्हारी एडजस्टमेंट हो सकती है। नहीं नहीं सर जी, बिल्कुल इसके सामने नहीं। ओ भाई जी, 340 के पीछे कुछ नहीं हो सकता भाई, आज का जमाना कुछ और है। पेट्रोल भी कितना महंगा है, इतने में गाड़ी बस इतनी ही चलेगी आगे नहीं। बस 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 बस, ये विनती यहीं तक, ये रहा कमरा नंबर 372। तीन सौ पचहत्तर, 380, 390, 395, 400। बस 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 बस, और विनती ना करो यार। क्यों जी? वो आगे वार्डन साहब की कोठी है, वो तो मैं खाली नहीं करवा सकता है। तुम जाओ यहां से, मैं कुछ करता हूं, जाओ। दीप सो गया यार? नहीं जाग रहा हूं, क्या हुआ यार? नींद नहीं आ रही है भाई यार, गांव में होता तो वहां मम्मी गरम गरम दूध में गुड़ डाल के पिला देती, उसके बाद आसमान में तारे देखते देखते 5 मिनट में नींद आ जाती थी। और इधर देख लो, ना तो आसमान है ना तो तारे, या तो बस वो दीवार पर बैठी हुई छिपकली दिखती है। यार दीप,
मैं सोच रहा था कि अगर वो चिपकली का नाम रीटा हो तो। या शेर, बस एक बात है यार, तेरी बातों में बड़ा स्वाद है। तेरे साथ कॉलेज में रहकर अच्छा टाइम कटेगा। भाई तेरा टाइम तो बढ़िया कटेगा, पर अच्छा टाइम कटने के लिए कुछ और भी चाहिए होता है। जैसे? जैसे कि चीजी। चीजी मतलब टॉफी चॉकलेट टाइप चीजी? ओ नहीं यार, चीजी मतलब कुड़ियां, लड़कियां। अच्छा जी, अब समझ गया मैं, इसीलिए तू शहर पढ़ने आया है ना। ये भी एक कारण है भाई, ये सब कॉलेज की लाइफ का एक हिस्सा है कि नहीं। हाँ यार, वैसे एक काम करते हैं भाई, कल सवेरे अच्छे कपड़े पहन के कॉलेज जाते हैं। हाँ। है? नई लड़कियां, नए लोग, नए दोस्त। वो क्या पता यार, कल कोई चीजी हमारे साथ भी दोस्ती कर ले। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं प्रोफेसर देवेंद्र कक्कड़ तुम सबका इस कॉलेज में वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर। इससे पहले हम आपस में जान पहचान करें, तुम लोगों से एक दो बातें करना जरूरी है। पहली बात तो यह है कि मैं तुम लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, और ऐसी इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा कि तुम अपना नाम तक भूल जाओगे, पर मेरा पढ़ाया कभी नहीं भूलोगे। और दूसरी बात, इस साल में कई छोटे मोटे टेस्ट होंगे और कई बड़ी असाइनमेंट होंगी, और वो सब को मिला के तुम सब फेल या पास होगे। और तीसरी बात, फेल होने वाले स्टूडेंट से मुझे नफरत है, क्योंकि जो बच्चा पढ़ाई से चूके वो जिंदगी से चूके। अंडरस्टूड? श्योर सर, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे। वेरी गुड। वाह चमची, अभी पढ़ाई शुरू भी नहीं हुई और नंबर बटोरने में लग गई। चलो फिर हम सब आपस में एक दूसरे से जान पहचान कर लेते हैं। ओके, स्टार्ट फ्रॉम यू। माय नेम इज शरण एंड आई एम फ्रॉम पटियाला। मैंने अपनी 10 प्लस 2 YBS स्कूल से कंप्लीट की है। ओके। आई एम मनप्रीत एंड आई हैव डन माय प्लस 2 फ्रॉम आर्मी स्कूल चंडीगढ़। क्या कर रहा है यार, प्रोफेसर ने देख लिया तो गुस्सा करेगा। अबे रुक जा यार, कोई नहीं देख रहा प्रोफेसर, मैं तो चीजियां देख रहा हूँ। चीजियां? मैं तो देख रहा हूँ कि कोई मेरी पसंद की कोई चीजी मिल जाए। हाय एवरीवन, आई एम प्रियंका। मेरी स्कूलिंग कनाडा में हुई है, पर मेरे पेरेंट्स इंडिया शिफ्ट हो गए, सो नाउ आई एम हियर। हाय ओए यार, शक्ल ही नहीं दिखी इस लड़की की, पर आवाज कितनी प्यारी है यार, नाम भी कितना प्यारा है, प्रियंका। अरे प्रियंका नहीं, प्रियंका। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, प्रियंका। प्रियंका, प्रियंका। आई एम अमनदीप कौरमान फ्रॉम रोपड़। ओए, ये तो तेरे शहर की है यार। फिर क्या, रोपड़ शहर में लड़कियां नहीं होती हैं? मैं तो यार ऐसी जान पहचान कर रहा हूँ। ओए बॉयज, तुम दोनों, तुम बात बात में करना, पहले खड़े होके अपना इंट्रोडक्शन दो। Myself, खड़क शेर सिंह, गांव कुंदी, डाक खाना, बसिया, तहसील जगनानु, जिला लुधियाना। मुझे तुम्हें कोई चिट्ठी नहीं लिखनी, कोई काम की बात बोल। सर जी, मैंने अपनी प्लस टू सीनियर सेकेंडरी स्कूल बसिया से की है, एंड अपना मुझे कॉलेज बहुत पसंद है। थैंक यू जी। ओए ठीक है ठीक है, बैठ जा। यू नेक्स्ट। सर आई एम दीप सिंह फ्रॉम रोपड़, मैंने प्लस टू सेंट जोसेफ से की है। ओके सिट डाउन, नेक्स्ट। हेलो सर, आई एम सिमरनप्रीत कौर ढिल्लो, आई एम फ्रॉम जलंधर। मैंने प्लस टू MGM कॉलेज से की है। मैंने एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया है, एंड आई एम श्योर मैं यहाँ भी टॉप करूंगी। मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू सर। नेक्स्ट। चमची के साथ पढ़ाकू भी है, चोर भी, साथ में पुलिस भी। यार दीप, सब मेरे पे हंस क्यों रहे थे? वो तेरे पे नहीं, तेरी बात पे हंस रहे थे। तू बंदा नौटी है ना? मैं राधिका हूँ, मैंने प्लस टू अमृतसर से की है। थैंक यू सर। नेक्स्ट। हाय सस्रीकाल, मैं हूँ। बस 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 काके, मैं इनको देता हूँ तुम्हारा इंट्रोडक्शन। ये यहाँ के महापुरुष हैं, भीष्म पितामह। ये हैं इस कॉलेज के स्तंभ। एक बार जहाँ बैठ गए मुड़ के कभी हिले ही नहीं। पिछले 2 साल से इधर ही टिके रह गए, लगता है और कई सालों तक यही टिके रहेंगे। जैसे कुछ मंत्री अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, ये भी उसी तरह हैं।
ये है अपने होनहार फेल मंत्री गुरवीर सिंह सिद्धू, इनके लिए तालियां बजाओ भाई। ओके 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 ओके, क्यों गुरुजी, मैंने ठीक कहा ना? हाँ हाँ सर, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपने मेरे फेल होने का कारण नहीं बताया। अच्छा बताओ क्या कारण है? यही सर कि अगर मैं पास होके अगली क्लास में चला गया, आपको याद कौन दिलाएगा कि आपकी पैंट की जिप खुली हुई है? शट अप, शट अप, यू बाहर निकलो, मेरी क्लास से बाहर निकलो, गेट आउट। हाँ हाँ मम्मी, बहुत बढ़िया कॉलेज है मम्मी, तू फिकर ना कर, मेरा दिल लग गया यहाँ पे। बेटे क्या पढ़ाया आज कॉलेज वालों ने? मम्मी आज तो पहला दिन था, इंट्रोडक्शन हो गया है। ये कौन सी बीमारी है? मम्मी बीमारी नहीं, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन यानी कि जान पहचान। ये शहर की सारी बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ती, मैं तो बस इतना जानती हूँ ये कमबख्त शहर गांव के बच्चों को खा जाते हैं। देख मम्मी तू अपना दिमाग खराब ना कर यार, तुझे मेरी कसम है। ये ले अपने पापा से बात कर। हेलो, मैं जतर सिंह बोल रहा हूँ। बापूजी मुझे पता है आपका नाम। सत श्री अकाल बापूजी, पैरी पहना जी। तरह बेटा सब ठीक तो है ना? हाँ जी हाँ जी बापूजी, मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। यहाँ सब भगवान की कृपा है, तू सुना कोई नई खबर? और तो कुछ नहीं, आज मैंने क्लास ज्वाइन की है। मैंने भी आज भिंडी की फसल बोई है, कद्दू लगाने की सोच रहा हूँ। हाँ टिंडे लगा दो। और बापूजी कैसे हो? सब ठीक है पुत्र, तू सुना? बस ठीक है बापू, आप सुनाओ। बाद में बात करेंगे, अभी भैंसों को पानी पिलाने का टाइम हो रहा है। ठीक है बापूजी, फिर ख्याल रखना। सस्रेकर सस्रेकर। हाँ और भाई हो गई बात? कैसी बात यार, मम्मी परेशान रहती है, बापू से क्या बात करूं समझ में नहीं आता, वो कोल कुंडे की बात करते रहे, मैं कॉलेज की लेक्चर की बात करता रहा। अरे यार कोई नहीं, मेरी बात सुन, पुरानी और नई जनरेशन के बीच थोड़ा तो फर्क होता ही है ना, तू मूड ना खराब कर। ओए मेरी बात सुन, तेरे बिल्कुल पीछे वही लड़की बैठी है। कौन सी लड़की? वही प्रियंका। यार दीप आज इसकी शक्ल देख के रहूंगा मैं, क्या करूं? लो इसमें क्या बात है, उठ के जा सामने और बोल माई सेल्फ खड़क शेर सिंह गांव कुंदनी। ओ तू यार हर वक्त मजाक ना किया कर। ओए आइडिया आ गया। वो जो पानी रखा है ना, मैं वहां जाता हूँ पानी पीने के बहाने, पानी भी पी लेता हूँ और उसकी शक्ल भी देख लेता हूँ। आया मैं, हे भगवान आज शक्ल दिखा दे। ओ यार पानी नीचे गिर रहा है, क्या कर रहा है, जल्दी कर यार। ओ भाई भाई पी रहा हूँ पी। जल्दी कर यार, बहुत प्यास लगी है। आप क्या खाना पसंद करेंगी? मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी। जल्दी पी ले यार। एक लार्ज चॉकलेट केक। ओके दैट्स इट। जल्दी कर यार। हाँ? भाई बहुत प्यास लगी। क्या मैं कॉलेज कैंटीन में हूँ? हाँ? या शो भाई पहले पानी तो पी ले। कहाँ हो? ओ भाई ठहर जा ठहर जा, मुझे भी प्यास लगी है, पी तो रहा हूँ। ओके मैं समझ गई। ओके आई विल डू। ओके बाय बाय, मैं आती हूँ 10 मिनट्स में। बाय। बहुत प्यास लगी है भाई, बहुत प्यास लगी। ओ अब तो पी ले यार। ले पकड़ ले, पूरा पी ले। क्या हुआ फिर, कैसी लगी तेरी प्रियंका? ओ कहाँ यार, आए ओ यार शक्ल तो दिखी नहीं, उसी चक्कर में इतना पानी पी लिया। बुरा हाल हुआ यार, जाना पड़ेगा यार। चल आजा चल। ओ ओ ओ दीप, ओ ओ पकड़ भाई दीप। आ आ आ, 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 आ अरे यार इतनी आवाज तो मत कर। और ठहर जा भाई, बिना आवाज के मजा कहाँ आता है। दिल में मेरे है दर्द डिस्को दर्द। रुक जा यार,
ओ दिल में मेरे है दर्द डिस्क। शेर छाबू जी, दर्द डिस्क। हां हो ससुरेकल भाई जी, की हाल चाल जी? उस दिन तो सालों तुम्हें गुरु ने बचा लिया, आज तुम लोगों का अच्छे से इंट्रो ले लेता हूँ। हाँ जी भाई जी, जान पहचान तो करनी चाहिए, बहुत जरूरी है। बस दो मिनट दे दो भाई जी, ये जो कुदरत है ना, कुदरत ये रोके ना रुकता है। दो मिनट। माई सेल्फ खड़क शेर सिंह, गांव पुंदी, दाग खाना बसिया, तहसील जगनानू, जिला लुधियाना। मैं अभी हाथ धो। रुक काके, जो काम तुझसे करवाने वाला हूँ ना, उसमें हाथ धोने की जरूरत नहीं। बोलो बोलो भाई जी, हमसे कैसा काम है? अभी तुरंत कर देते, बंदे ही बंदे के काम आते हैं। हाँ जी। चल, इस हीरो के मुंह को टॉयलेट में डाल और फ्लश कर। ये काम तो मुझसे नहीं होगा। दोबारा ना मत करना। मैं नहीं करता। आई, मैं नहीं करता। मत कर। चल भाई, इसका मुंह फ्लश कर। हाँ जी भाई जी, जैसा आप हुकुम करो। तेरा दिमाग खराब हो गया यार, मैं तेरे लिए इतनी बैट खाई और तू पहले धमकी पे मुंह दिया। मैं भी तो तुझे बचाने के लिए कर रहा हूँ, मेरा कौन सा दिल कर रहा है कि सुसू तू करे और फ्लश मैं करूँ। चला बस एक बार। चुप कर रे, चुप। क्या जोड़ी है, एक बेवकूफ तो दूसरा डरपोक। क्या बोला भाई? डरपोक। ये बात है तो ये काम मैं भी नहीं करूंगा। ये हुई ना बात, शाबाश मेरे शेर। सोच ले, बैट की मार बड़ी गंदी होती है। मुझे नहीं कोई परवाह, मार लो इसे जितना मारना है। इसे नहीं है? तुझे पड़ेगी। चलो भाई, इनके मुंह फ्लश करो और मजा चखाओ। चलो, इनको भी पता चले कि शिवेंद्र की बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। क्या कर रहे हो यार, छोड़ो। यार क्या कर रहे हो? ठहर जा भाई। अरे छोड़ो। अरे 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 छोड़ो। रुको, व्हाट्सअप। ये टी शर्ट तो तू मुझे धो के वापस करेगा। इसे पहन ले सब्बू, लड़ाई बॉडी से नहीं जिगर से होती है। आज फिर देख ही लेते हैं जिगरा तेरा बड़े शेर वाला। अबे शेर नहीं, बब्बर शेर। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बार बार एक एक को मारूं। सारे इकट्ठे आ जाओ तो मामला जल्दी निपट जाएगा, ठीक है? तेरी प्रॉब्लम क्या है गुरवीर? कभी टीचर को तंग करता है और कभी लड़ाइयाँ करता है। तुझे पता है उस गुंडे को 15 टांके लगे हैं और जो डैमेज हुआ वो अलग।
तेरे डैड का लिहाज कर रहा हूँ, नहीं तो कब का तुझे कॉलेज से बाहर कर देता। ये मेरी लास्ट वार्निंग है गुरवीर, अगर तू अब भी ना सुधरा तो मैं तेरे डैडी का लिहाज भी नहीं करूँगा, तुझे कॉलेज से सस्पेंड कर दूंगा, समझ गया? क्या बात है शेर, ज्यादा टाइम नहीं अपने पास, जल्दी जल्दी पैकिंग कर ले गुरु के आने से पहले, जल्दी कर, चल चल। यार भाई मुझे लगता है ना हम उसके साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। यार मेरी बात सुन, सही तो वो भी नहीं है जो गुरु ने अपने साथ किया, उसकी वजह से सब्बू भी तो अपने पीछे हाथ धोके पड़ा हुआ है। यार अपने बारे में सोचना कोई गलत नहीं है, तू जल्दी जल्दी पैकिंग कर, हमें यहाँ से निकलना है, जल्दी कर, चल चल यहाँ से निकलना है। चल चल जल्दी कर यार। ओ चल भाई रीटा, किस्मत रही तो फिर मिलेंगे तुमसे। सत श्री अकाल पापा जी। आओ लाड साहब आओ। धन्य भाग मेरे जो तुम इधर मुझे दर्शन देने पधारे। वैसे बाय द वे कहाँ हो तुम? ना कोई खबर ना पता, तुम तो मुझे फोन भी नहीं करते हो और ना मेरे फोन का जवाब देते हो, हाँ? आ तो गया हूँ ना। ओह थैंक यू वेरी मच, तुमने यहाँ आके अपने पिता पे बहुत बड़ा एहसान जो कर दिया। वैसे मुझे पता है जनाब यहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि जनाब के पैसे खत्म हो गए होंगे, है ना? ओ यार मैं कोई एटीएम मशीन हूँ क्या कि जब पैसे की जरूरत पड़े तो दौड़ कर चले आओ? अरे तेरा भी कोई फर्ज बनता है कि नहीं? तूने तो ये बताना भी जरूरी नहीं समझा कि तू इस साल भी फेल हो चुका है। ये तो तेरे प्रिंसिपल का फोन आया था तेरी कंप्लेंट करने के लिए, तब जाके पता चला। उसके पेट में कोई बात पचती ही नहीं। ओए शर्म कर शर्म, लोग इसलिए कॉलेज पढ़ने जाते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी सुधार सके, अच्छे इंसान बन सके, और एक तू है जो दिन ब दिन बेकार बनता जा रहा है। तुझे पता है जिस लड़के को तूने कुत्ते की तरह पीटा ना, उसके घर वालों के सामने मुझे कितनी माफी मांगनी पड़ी, और मामला दबाने के लिए पैसे देने पड़े वो अलग। ओए गधे चैन की एक सांस तो लेने दे मुझे। कैसी नालायक औलाद जन्मी है मेरे घर, देख गुरी कान खोल के सुन ले, एक तो तू अपनी आदतें सुधार ले या फिर आज के बाद मुझसे एक पैसा भी मत मांग। क्या बनाया खाने में? ओ खाने में वो रोटी जैसी रोटी है, साथ में काली दाल है, साथ में आलू है, तुम जैसे लोग आ गए हैं तो काम अपना चालू है। अच्छा चल ऐसा कर, चार अंडे की भुर्जी बना दे फटाफट। भाई सॉरी तुम लोग लेट हो गए हो, अब मैं कुछ बना नहीं सकता, अब जो बन गया है वही तुम लोगों को खाना पड़ेगा। अरे यार दे दे जो कुछ भी है, भूख लगी। वो लेके आया यार। ओ हेलो गुरु भाई, सत श्री अकाल, हुकुम करो मेरी सरकार। टेस्टी खाने का मन है, तुम चिंता मत करो, बबलू तुम्हारा वीर है। खाने में अपने पास चिली पनीर है, काले छोले हैं, नरम और ताजे हैं। कहो तो अंडे की भुर्जी बना देता हूँ। ना ना आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं रूम पे पहुँचा देता हूँ, बस तुम 5 मिनट वेट करो, मैं अभी आया। ओ कमाल है बल्लू भाई, उसके लिए पनीर चिल्ली छोले अंडे की भुर्जी, हमारे लिए कुछ नहीं। पहले हम आए ना, पहले हमें दे दे, ये तो डरता है गुरु से। अरे भाई डर की बात नहीं है, प्यार की बात है, प्यार की। गुरु बहुत बढ़िया बंदा है, उसने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं। हीरा बंदा है, हीरा। हीरा बंदा है? पर उसका नाम तो कॉलेज में बड़ा खराब है। वो इसलिए कि गुरु अपने मन की बात करता है। पर वो इतना कड़वा क्यों भाई? वो बात ये है भाई, जब कोई किसी बंदे का दिल दुखाता है भाई तो फिर मीठा बंदा भी कड़वा हो जाता है। अपना गुरु भाई बहुत बढ़िया बंदा था, कभी जब वो कॉलेज में नया नया आया था, बस किसी लड़की से प्यार कर बैठा, वो उसने गुरु को धोखा दे दिया। वो दिन था और आज का दिन है, अपना गुरु भाई एकदम से बदल गया। पर वो मेरी बहुत इज्जत करता है, ये मोबाइल भी उसी ने दिया है। वो छोड़ो यार, बातों बातों में बहुत देर हो गई, तुम सिर्फ 5 मिनट वेट करो, मैं गुरु भाई को रोटी देकर तुरंत आया, फिर जो तुम कहोगे मैं तुम्हें बनाकर खिलाऊंगा। हाँ जी
दीप। हाँ क्या कर रहा है? अरे जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ बैठ के तो एक ही काम हो सकता है। और मेरा मतलब है तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ। हाँ यार। यार वैसे गुरु खराब बंदा नहीं है भाई। हाँ यार। अब कुछ नहीं हो सकता गुरी, कल मेरी डोली उठने वाली है। मैं तेरी डोली नहीं उठने दूंगा। ना गुरी ना, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम्हें मेरी कसम। यार तो इसके बारे में घर पे भी बता सकती है। अपनी बात तो वहीं रखी जाती है ना, जहां हक ज्यादा हो, है ना गुरी? क्यों भाई, आज नहीं मारना डायलॉग? सब्बू आज रहने दे यार, आज मेरा मूड नहीं है। पर मेरा मूड है। मैं चाहती हूँ कि इस आखिरी मुलाकात पर तुम मुझे हंस के विदा करो, ताकि मैं जहां भी जाऊं तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा हमेशा याद रहे। ये तो साला हंस रहा है, इसे ऐसे मारो कि कभी हंस ना पाए। ओए क्या कर रहे, रुको। ओए ओए रुक, ओए रुक, ओए रुक, रुक, भाई छोड़ो, हटो, छोड़ो। ओए बचाओ। ओए कबूतरो, क्यों ये सब अपने सर ले रहे हो? इसके साथ तुम्हें भी। ओए दोस्त है हमारा, कोई से हाथ लगाने से पहले तुझे हमसे निपटना होगा, आजा। चलो आज के लिए इतना काफी है, अब ये 10 दिन तो उठेगा नहीं, चलो फिर देख लेंगे। गुरु ठीक है ना? तू? मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? एक बात बता भाई, हमेशा तो तू उन सबको पीट देता है, कल क्या हो गया था? ऐसे ही यार, कल मेरा लड़ने का मूड नहीं था। अरे यार तेरा मूड ही समझ नहीं आता, वो तुझे मार रहे थे और तू हंस रहा था। हाँ कुछ याद आ गया था। कुछ हंसने वाली बात ही होगी फिर। हाँ है तो मजाक ही। भाई तुझसे एक बात करनी थी यार। क्या? वो हम तुझसे सॉरी कहना चाहते हैं यार। यार हमने तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं यार, असल में मैं भी तुमको थैंक्स कहना चाहता हूँ जो मुझे बचाया। होले यार, ये कैसी बात हुई? नो यार सीरियसली थैंक्स डूड। दूध? ये क्या होता है भाई? अबे दूध नहीं, डूड यानी स्टाइलिश, यंकी। यप ये लो, यानी कि मैं, मेरे जैसा। We are cool, oh, yeah. We're so cool. Check it out, baby. We are the best. All right. Oh, yeah. 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 Do you?
स्टूडेंट्स, आज मैं तुम्हें फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाने जा रहा हूँ। सर अप्रोचेस टू बजटिंग, ध्यान से पढ़ना जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, बाद में पूछूंगा, नहीं बताओगे तो समझ लेना। हाँ यार भाई, चल 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 चल। बजट इज नॉट ओनली अ स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बट इज द प्लान फॉर द ईयर अहेड, इंडिकेट्स प्रोग्राम एक्टिविटीज एक्स्ट्रा। एक्सक्यूज मी सर, पीरियड मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। ओह किधर? क्या बात है, कुछ बोले नहीं? क्या करूं सर, कोई बहाना ही नहीं सूझ रहा है। तो सच बोल दे। सच आपसे कैसे कहूं सर, सर आपका लेक्चर इतना बोरिंग है कि नींद आ रही थी, इसलिए कैंटीन में चाय पीने जा रहे हैं सर। जाए सर? ओ तू तो है ही बदतमीज, और तुम भी इसके साथ जा रहे हो। गेट आउट, मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ। जब तक लेक्चर खत्म नहीं होता बाहर ही खड़े रहना। सर क्या बात है? वो नहीं सर, वो तो ठीक है सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लेक्चर आप इन्हें अच्छी तरह से समझाओ, कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज्ड रहती है। अबे तू भी ले ले एक आध घूट। वो पागल है तू, मम्मी पापा से वादा किया है। अबे सारे पकोड़े मत खा, हमारे लिए भी कुछ छोड़ दे। ये रहे तुम्हारे पकोड़े साले, ये बात हो गई, पकोड़े मुझसे ज्यादा प्यारे हो गए। गुस्सा मत कर शेरू, खा ले जितना खाना हो। वो बात सुनो, मुझे शेरू मत बुलाया करो, ऐसा लगता है साला किसी कुत्ते का नाम है। तू अपसेट ना हो, पकोड़े खा, तुम्हारे लिए हमने बिस्किट मंगाई है। वो दूर हटाओ यार, मैं नहीं बैठता तुम्हारे साथ। वही शेरू, कहाँ जा रहा है, बात तो सुन। तो बता दे कोई लड़की पसंद आई या नहीं आई, बता तो सही। चीजियां? अच्छा, वो चीजियां तो बहुत सारी है कॉलेज में यारो। जैसे कि बलविंदर कौर, उसकी तो मुछे हैं। हरप्रीत कौर, हरप्रीत। अरे नहीं यार, ओ नीतू को देखा है गौर से, बड़ी करा रही है यार। नॉट बैड। राधिका, गुड। लड़कियां तो बहुत है प्यारी वारी कॉलेज में, चीजियां तो प्यारी होती है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि साली अपने मैच की कोई नहीं है। एक बात तो है यार शेरू, तू फुकरा बिल्कुल नहीं है। चुप कर, कोई नहीं सालो, उड़ा लो मजाक जितना उड़ाना है। देखना एक दिन कॉलेज की सबसे मिट्टी चीजी के साथ ना टाका फिट करूंगा। फिर तो तुझे सीधे प्रियंका के साथ बात करनी चाहिए। बात क्या करूँ यार, मैं तो उसकी शक्ल तक नहीं देख पाया अब तक। जब भी उसकी शक्ल देखने की कोशिश करता हूँ कोई ना कोई पंगा हो ही जाता है, कभी वो लेक्चर में नहीं आती, कभी मैं पढ़ाई में बिजी रहता हूँ। हेलो, कैसी पढ़ाई, मैंने तो कभी नहीं देखा तुझे पढ़ते हुए। ऐसा मत बोल भाई, नंबर भले 33% आया हूँ पर जोर तो पूरा लगाता हूँ। तो प्रियंका के मैटर में भी लगा ले जोर, देख पास होता है या फेल। ओ ना भाई ना, शक्ल देखे बिना तो कोई स्टेप नहीं उठाऊंगा। अगर मेरी मैच की निकली नहीं तो मैं क्या करूंगा? अगर मैच की निकली फिर? फिर सोचा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो। सॉरी सर जी। Excuse me, can I get my clip back please? Hello, can I get my clip back? हाँ जी। Okay, I said can I get my clip back please? हाँ जी। मेरा clip दे दो please. Yeah, thanks. ओ दीप, दीप, ओ भाई, आ
भाई क्या यार? ओ भाई एक बार बता दे प्रियंका ने अंग्रेजी में क्या कहा। कितनी बार बता चुका हूँ, सोने दे प्लीज यार, रात के 2 बज गए। ओ भाई एक बार बता दे प्रॉब्लम क्या है प्लीज यार। अरे यार बता दे इसे, नहीं तो सारी रात जगा के ही रखेगा। अरे यार कहा था कि कैन आई गेट माई क्लिप बैक प्लीज। हाय रब्बा यार, उसने तो सिर्फ क्लिप ही मांगी थी ना यार। तू तो इतना खुश है जैसे तेरा दिल मांग लिया हो। और तुम शहर वालों को क्या पता, इतने सालों में किसी भी लड़की ने मुझसे कुछ मांगा है ना गांव में तो सिर्फ इतना ही कहा है, ओ मुए गोबर के उपले उठा दे। ओ भाई आज किसी लड़की ने मुझसे क्लिप मांगा है, वो भी अंग्रेजी में। हाय रब्बा हाय। लीजिए ये लड़का तो अब नहीं बचेगा। वो बचना चाहता कौन है भाई। अच्छा तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी लड़की को पहली बार देखा है और तुम्हारा दिल करे हेलो हेलो जी? हेलो हेलो तो नहीं, हाँ जी जरूर कहूंगा। कोई नहीं सालो, उड़ा लो मजाक जितना उड़ाना है मेरा। देखना कल सवेरे सवेरे प्रियंका को जाके प्रपोज करूंगा, वो भी अंग्रेजी में। अंग्रेजी? यस माय फ्रेंड। विल यू डू फ्रेंडशिप विद मी? विल यू डू फ्रेंडशिप विद मी? विल यू डू फ्रेंडशिप विद मी? विल यू डू? सत श्री अकाल भाई जी। क्या भाई जी यहाँ लाइब्रेरी कहाँ है? मुझे मेंबरशिप कार्ड बनाना है। मुझे नहीं पता यार, विल यू डू? भाई जी क्या बात करते हैं, आप तो यहाँ पढ़ते हैं, आपको नहीं पता लाइब्रेरी कहाँ है? आगे जाके दाएं मुड़ो फिर बाएं मुड़ो, वहीं पर है ना लाइब्रेरी। वो जो पता है तो मेरा सिर क्यों खा रहा है तू? अरे यार मैं तो कंफर्म कर रहा था। वो जा यार दिमाग मत खराब कर। अजीब आदमी है। वो जो सीखा था यार सब भुला दिया यार, अच्छा खासा रट्टा मारा था यार। क्या यार? ओ तेरी बहन। ओ ओ हेलो जी। हेलो हेलो। वो मैं अपना। यस माई सेल्फ खड़क शेर सिंह, गांव कुंदी, डाकखाना बसिया, तहसील जगनानू, जिला लुधियाना। ओके फिर? वो जी मुझे कुछ कहना था जी। क्या क्या कहना चाहते हैं? याद तो बहुत किया था जी, पर ये अंग्रेजी जबान बड़ी टफ होती है, मैं भूल गया। तो याद कर लो, मैं चलती हूँ। नहीं 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 मुझे याद आ गया, याद आ गया जी। विल यू डू मेंबरशिप विद मी? व्हाट मेंबरशिप? यू मीन फ्रेंडशिप राइट? ओह ओ हाँ जी हाँ जी वही फ्रेंडशिप। दैट्स सो क्यूट। क्या जी? यही तुम्हारे फ्रेंडशिप करने का तरीका, आपको पसंद आया जी? या दैट्स फनी। फिर जी? फिर क्या? आपका जवाब? या ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स हम फ्रेंडशिप कर सकते हैं, हम दोनों एक ही क्लास में स्टडी करते हैं, फिर फ्रेंड्स बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट? राइट राइट जी, वेरी राइट जी। हाय शेर सिंह, आई एम प्रियंका। हेलो प्रियंका जी। नो नो प्रियंका। प्रियंका पी आर आई वाई ए एन के ए। प्रियंका पी आर आई वाई ए के। प्रियंका कोई बात नहीं, इट्स ओके, यू आर फनी शेर सिंह। वो तो मैं हुई जी। ओके सो आई विल सी यू इन द क्लास देन। हाँ जी बाय। हाय हाय टिंका, आज तो मोर्चा फतेह कर ही लिया। ਨਾਲੋਂ ਹੱਥ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਏ ਰੈਡ
रेड जे तू यार भूल खोल दी मैं मनाड़ो आते एक रहेगी बोल दी ओए बिट्टिया अमर सुट्टिया ओए बिट्टिया अमर सुट्टिया ओए बिट्टिया होने मार सुट्टिया ओ जट टिंका ओ जट टिंका ओ जट टिंका और होने गुरी, ये डायरी में क्या लिखता रहता है? कई बार तुझे देखा है। अरे ऐसे ही यार, बस कुछ पुराना हिसाब किताब यार। पैसे की परवाह तो है नहीं तुझे, और हिसाब किताब करेगा? हिसाब किताब सिर्फ पैसों का नहीं होता है, और भी बातें होती हैं। ठीक है यार, नहीं बताना है तो मत बता। चल, भूख लगी है यार, रोटी खाते हैं चल के। हाँ चल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बैठो बैठो प्लीज। थैंक यू सर। अपने अपने पेपर देख के आगे पास ऑन करते जाओ। स्टूडेंट्स, तुम्हारे पेपर्स पे मार्क्स आ गए हैं। मैं इस क्लास की परफॉर्मेंस पर काफी हद तक सेटिस्फाई हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ने तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, जैसे कि सिमी। इसने क्लास में हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं, 99 out of 100। वेल डन सिमी। थैंक यू सर। 99? इतने नंबर में तो तीन तीन लड़के पास हो जाते यार। और क्या, मेरा तो है ही नहीं। यार मेरा भी नहीं है। अरे मेरा तो कभी नहीं होता। और कुछ स्टूडेंट्स ने भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, पर हाँ, तीन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके बारे में मैं खास मेंशन करना चाहता हूँ। इनके पेपर्स देख के मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई है। पहले हैं दीप सौंदी। ये प्लस टू में बड़े अच्छे नंबर से पास हुए थे, और लगता है इन्हें कुछ दिनों में कॉलेज की हवा लग गई। बड़ी मुश्किल से पास हुए हैं। और ये हैं दूसरे, खड़क शेर सिंह। इनके जैसा ओवर कॉन्फिडेंट बंदा तो मैंने कभी नहीं देखा। इन्होंने सिर्फ 33 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया है, क्योंकि इन्हें पूरा कॉन्फिडेंट है कि 33 नंबर लेके पास हो जाएंगे, तो इनको मिला है 20 नंबर। और तीसरे, इनके बारे में क्या कहना, गुरवीर सिंह जी, इन्हें मिला है 0 क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक्स के पेपर में टाइटैनिक फिल्म की कहानी लिख दी। वाह क्या बात है, अच्छी फिल्म थी यार, 3-4 नंबर तो मिलना ही चाहिए। आप तीनों से मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया खड़े हो जाएं। वो खड़ा क्यों करवा रहा है यार, बैठे बैठे नहीं बोल सकता है। हाँ जी खड़क शेर सिंह जी, तुम कुछ कहना चाहते हो? नहीं सर जी। दीप सौंदी जी? नो सर। देख लो सर, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ जी पूछो सर। अगर आपको रोमांटिक फिल्में नहीं पसंद हैं, तो अगली बार एक्शन फिल्म की कहानी लिख दूं क्या? Shut up! कंकड़ की शक्ल देखने लायक थी। यार गुरु, तू उसकी इतनी बेइज्जती क्यों करता है यार? अरे यार मैं करता नहीं हूँ, बस हो जाती है। हो जाती है। पर यार मेरी बात सुन। हाँ। और प्रोफेसर भी तो चिढ़ते हैं ना? अरे यार बाकियों की चिड़का बुरा नहीं लगता, वो कक्कड़ की बातों से ना नफरत होती है।
वो ऐसा बिहेव करता है जैसे पढ़ाई ना करने वाले स्टूडेंट्स की कोई फीलिंग ही नहीं होती है। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई में फेल वो जिंदगी में फेल, ऐसा नहीं होता यार। इंटेलिजेंस सिर्फ पढ़ाई में नहीं होती, और भी बातों में होती है दीप। हर बंदे में कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है। क्या बात है भाई, क्या बात है गुरी। तेरी बात सुन के आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आगे पढ़ना ही नहीं चाहिए था। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए था भाई? हा? मम्मी और पापा को क्या जवाब देगा? हा? क्यों टेंशन देते हो यार, मुझे तो वैसे ही इतनी टेंशन हो रही है कि मैं कैसे बताऊं मैं फेल हो गया। अरे टेंशन क्या लेना यार, इस टेस्ट का तो नंबर भी नहीं जुड़ेगा फाइनल में। सबसे ज्यादा जरूरी है फाइनल एग्जाम, वो पास तो सब पास। मुझे क्या पता भाई, मुझे तो और भी टेंशन है यार, मैं उसमें क्या करूंगा। अरे मैं हूं ना यार। ओ तू तो है मामा, मुझे आगे भी कुछ करना है कि नहीं? ओ हाँ, वो तो तू ना भी करेगा तो प्रियंका की नौकरी से बेल मिलेगी। तुम लोग ना छोटी छोटी बातों को बड़ा मत बनाया करो यार। वो अच्छा? इतना भी ज्यादा काम नहीं कराती मुझसे। अच्छा जी, तो परसों सारा दिन बंक मार के तो उसकी कार की सर्विस कराने क्यों गया था? आ गया था फिर। अगर प्यार से एक दो काम करने को बोल भी देती है तो तुम लोगों को इतनी क्यों जलन होती है बे? फिर तो भाई तेरी होगी, जब तेरे पप्पा पिछवाड़े पे चप्पल मारे। होए यार, उसी बात का तो डर लगता है भाई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं। झूठ मैं बोल नहीं सकता और सच मुझसे बोला नहीं जा रहा है। अच्छा देख इधर आ, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? तेरे कितने नंबर आए हैं? 20। तूने कितना अटेम्प्ट किया? 33। सो टेक्निकली तेरे 33 में 20 नंबर आए हैं। यानी कि दीप कितने परसेंट हुए? 60 है ना? 60, यानी मैं 60% लाया। अरे हाँ, वेरी गुड, क्या बात। लो फिर आ गई किरण बेदी यार, कितनी बढ़िया सलाह दे रहा है तू अपने दोस्त को। वाह सिमी यार, ये तो हमारा हंसी मजाक चल रहा है। हाँ सिमी, हम लोग सोच रहे थे घर पे क्या बोले। इस हंसी मजाक का तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम फाइनल में फेल होगे। इसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी। जो ये तुम्हारा दोस्त बनता है ना, तो इससे तो तुम्हारी फिक्र होनी चाहिए ना। नहीं, पर ये तो तुम्हें भी अपने जैसा बनाया जा रहा है। अरे यार इसको पूछ, किसकी प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है। तूने मुझे चमची कहा था ना, तो मैं भी तुमसे बोल रही हूँ कि तेरे जैसे नालायक और डफर होने से अच्छा मैं चमची होना पसंद करती हूँ। सिमी प्लीज यार, तुम उससे ज्यादा बोल रही हो, गुरु ना तो नालायक है और ना ही डफर। अच्छा, मैंने तो आज तक इसके मुंह से एक भी इंटेलिजेंट बात नहीं सुनी। ये बेइज्जती करने के अलावा और कर भी क्या सकता है। मैं चलूं यहां से, नहीं तो गुरी यार तू इधर बैठा है और हम लोग तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं। चल चल के रोटी खाते हैं, आजा नहीं तो मैच बंद हो जाएगा। मुझे भूख नहीं है, तुम जाकर खा लो। अरे यार तू अभी तक सिमी की बात लेकर बैठा है, वो तो बेवकूफ है यार, उसकी बात का क्या गुस्सा करना। ओ यार गुस्सा करना तो सिमी पे कर, हमको क्यों भूखा मार रहा है। चल मैंने कहा ना यार मुझे भूख नहीं है, तुम जाकर खा लो। चल छोड़ यार, नहीं खाते रोटी, ला बोतल दे। कोई जरूरत नहीं यहाँ बैठने की, जाके पढ़ाई करो, नहीं तो सब कहेंगे कि मैंने लड़कों को फेल करा दिया। अरे यार तू भी ना बच्चों वाली बातें कर रहा है, लोग जो चाहे कहें, ये बात हम तीनों को पता है, जो हमने अच्छा किया उसमें तेरा असर है पर बुरे में तुम्हारा कोई योगदान नहीं है। तो और क्या यार। अरे भाई मैं तो स्टैम्प पेपर पर लिख के देने को तैयार हूँ कि मैं अपनी वजह से फेल हुआ हूँ। देखा बड़ा गुस्सा हो रहा था, पहले ही जोक पे हंसना शुरू कर दिया। अबे तेरे लिए शेरू बड़ा ही सही नाम है, बड़ा ही कुत्ता बंदा है। वो कुत्ते तो सारे ही होते हैं भाई, सारे बंदे कुत्ते होते हैं, ये तो साइंस वालों ने ऐसे ही बोल दिया कि बंदे बंदर से बनते हैं। मानता है कि नहीं बात। यार गुरी तू तो बहुत अच्छा लिखता है। यार मैंने कहा है ना मेरी डायरी खात्मा लगाया कर। यार तूने लिखा ही इतना अच्छा है, मुझसे रहा नहीं गया। मुझे शक तो था कि कुछ खास है इस डायरी में, पर ये नहीं पता था कि तुम इश्क की पोएट्री लिखते हो। खबरदार जो तूने किसी को बताया इसके बारे में। पर क्यों यार, इसमें छुपाने वाली क्या बात है। वो दीप तू समझता नहीं है यार, जो शाबू को पता चल गया कि गुरु शायरी भी करता है तो इसकी तो इंसल्ट ही कर देगा कॉलेज में। अरे ठीक है यार नहीं बताएंगे। चल ये तो बता दे कि लिखी किसके लिए है। वो बता दे यार, हमसे क्या छुपाना। छुपा नहीं रहा यार, जिसे बोलना चाहो ना उसके बारे में बात करने का मन नहीं करता यार। अरे चल नहीं मन करता है तो रहने दे, तू मूड मत खराब कर।
चल उठ, चल रोटी खाते हैं। ओ चल यार, भूख बड़ी लगी है। चल ओ चल, नाम तो बता दे। चल हट। मनदीप सिंह। यस सर। मनप्रीत चाल। यस सर। प्रियंका सिंह। यस सर। प्रियंका सिंह। यस सर। प्रियंका सिंह। यस सर। प्रियंका सिंह। यस सर। जोर से बोलो। जय माता दी। शेर सिंह जी, मेरे ख्याल से तुम्हें पता है कि अभी तुम्हें क्या करना चाहिए। यस सर। मैं भी बेवकूफी हूं, माता नहीं फंसा दी। सॉरी सर। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं लेक्चर शुरू करूं, मैं तुम सबको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स कॉलेज के फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो लेक्चर के बाद अपना नाम इस रजिस्टर में लिख दें और उसके बाद जाके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की मैडम से जाके मिल लें। ओके चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। तेरी बैंड दी प्रियंका। हाय शेरू। हेलो प्रियंका जी। हेलो प्रियंका जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी प्रॉक्सी देने नहीं गए? वो प्रियंका जी क्या बताऊँ, आपकी हाजिरी दे रहा था, वो ककड़ ने मुझे क्लास से बाहर कर दिया। I'm so sorry, शेरू। ओ नाना जी, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो प्रियंका जी? सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए आपको, आपने एक काम बोला और मैं वो भी नहीं कर पाया। सॉरी जी। सो स्वीट। चलो वो तो मैं हुई, कोई नहीं। शेरू। हाँ जी। तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे प्लीज? ओ यार प्रियंका जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? यू ऑर्डर आई डू। ओके वेल, मैं दो दिन जरा बिजी रहूंगी, तो तुम प्लीज किसी तरह मेरी पॉल साइंस असाइनमेंट जरा कंप्लीट कर दोगे, यू नो जो परसों सबमिट करनी है? ना प्रॉब्लम जी, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू, यू आर अ लाइफ सेवर एंड यू आर सो स्वीट। सी या। ओ यार, गाल पकड़ के स्वीट कह गई। ये गाल तो अब मैं धोऊंगा ही नहीं। हाय दोस्तों, ये था आपके सामने खालसा कॉलेज का वेस्टर्न सॉन्ग। इससे पहले कि हम अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़े, आपके सामने एक स्पेशल आइटम लेकर आ रहे हैं इसी कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट दीप सोंदी। दोस्तों, साथियों, आज जो मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूं, वो मैं फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए या किसी तारीफ की उम्मीद से नहीं कर रहा हूं, वो मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के लिए कर रहा हूं, जिन्होंने मेरे प्यारे दोस्त, मेरे अनमोल यार गुरबीर सिंह के लिए जो धारणा बनाई है वो सरासर गलत है। तो इसलिए मैं आपको गुरबीर का लिखा एक गीत सुनाने जा रहा हूँ। यारो, जो कभी तुम्हारा भी दिल टूटा है, जो कभी आपको भी किसी ने हर्ट किया है, जब कभी आपका भी रोने का दिल किया है, तो मुझे पूरा पूरा यकीन है कि ये गाना आपको भी बहुत पसंद आएगा। गुरबीर के लिखे शब्दों को सुनो और आप महसूस करो कि वो कैसा इंसान है। इश्क की राह में जो आएगा, नंगे पैर कांच चुभ जाएगा, जो मेरी आंखों में सच्चाई देखेगा, सच्चे नैनों में सच दिख जाएगा। ओए सोखा नहीं है किसी दा होना, अखाच कांच पुराना, अखाच कांच पुराना। दिल कुछ पर आए, जख्म अजे भी हरे आए, दिल कुछ पर आ है, जख्म अजे भी हरे आए, हुण सीने विच रोके आ ना जावे, नैणा चो दिल नू चो लेण दे, अजे थोड़ा जे हारो
खड़ी थी, मैं देख रहा था उसको और ये ओ भाई ओ एक शेर आया मेरे माइंड में, अभी सुनाता हूँ, सुनो। अच्छा बोल। अर्ज किया है, लेले गेडा एमबीडीडिया मुंडा रातानु रट्टे मारदा। वाह क्या बात है शेरू, वाह। ओ शेरू मत बुलाया कर, लड़कियां बैठी। लेले गेडा एमबीडीडिया मुंडा रातानु रट्टे मारदा, पास कर दी तैतिया नाल बड़ा औखा होंदा है परचा प्यार दा। क्या बात है यार। ओए तुझे क्या हो गया भाई? होना क्या है? हाँ? जब से कॉलेज का फेस्टिवल हुआ है, कॉलेज की जनता मेरे साथ अजीब सा बिहेव कर रही है। लड़के मुझसे डरते नहीं और लड़कियां स्माइल पास करती जा रही हैं। ओ दीप, मैंने तुझसे कहा था ना मेरी डायरी को हाथ मत लगाना। सॉरी यार, पर वो दिन तू सिमी की बात से इतना अपसेट हो गया, मुझसे रहा ही नहीं गया। वैसे अच्छा बंदा है यार पूरी। तू वैसे तो इसने इमेज तेरी बनाई है कॉलेज में, हाँ। है? और तू इस पे ही खोल रहा है। और अगर तुझे इससे प्रॉब्लम है तो तू बोल दे सबके सामने कि ये शायरी तेरी नहीं है, शेर सिंह की है। बाकी जो लड़कियां स्माइल पास करती है वो मैं अपने आप देख लूंगा। अरे यार दीप, आई एम रियली सॉरी, बट मुझे यार आदत नहीं है ज्यादा फ्रेंडली होने की। भाई जी आदत बना लो। Excuse me, गुरी। लो यार फिर आ गई किरण बेदी। मैं एक मिनट तुमसे बात कर सकती हूँ? क्या बात है? तू जरा साइड में आएगा? साइड? यहीं बोलो क्या बात है। ओ गुरी, दरअसल मैं तेरे साथ बहुत बदतमीजी करती रही हूँ, इसलिए मैं तुझे सॉरी कहना चाहती हूँ। आई एम रियली रियली सॉरी। क्या कहा? तू मुझे माफ कर दे प्लीज। इट्स ओके। थैंक यू गुरी। आई होप हम अपना पिछला झगड़ा भूलकर एक नई शुरुआत करेंगे। सो फ्रेंड्स। Thank you. Bye. Angie. दी। सत श्रीकाल मम्मी जी। सत श्री काल बेटा, क्या हाल है मेरे बच्चे का? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मम्मी ये मेरे रूममेट्स और क्लासमेट्स, ये शेरा और एक गुरु। सस्रेकाल आंटी जी। सस्रेकाल। जीते रहो बच्चे। पेरिपोना आंटी जी। आ जाओ अंदर आ जाओ। चलो चलो आ जा। आंटी जी, जब से प्रियंका ने इसके गाल को हाथ लगाया है तब से ये अपना आधा चेहरा भी नहीं धोया है। आज कितने दिन हो गए दीप? 5 दिन। आंटी जी 5 दिन हो गए। रोज सवेरे एक गाल पे हाथ रख के दूसरे गाल को साबुन से धोता है। लल्ला मामा लल्ला मामा लव हो गया। लल्ला मामा। वो हट यार, उड़ा लो जितना मजाक उड़ाना है तुम लोगों को मेरा। मुझे पता है तुम लोग चिढ़ते हो मुझसे, तेरे से। लो बेटा गुड़ खा, गांव से आया। वेरी गुड। आंटी जी ये मुझे दे दो, आप दूसरा ले आओ। अरे यार तू तो बड़ा बेशरम है गुरी। अरे किस बात की शर्म भाई, हा? ये तो अपना ही घर है। क्यों आंटी जी? क्यों नहीं बेटा, मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरे युवराज ने इतने अच्छे दोस्त बनाए हैं। आ जाओ बेटा। भाई आ जाओ आ जाओ। ठीक है मम्मी, अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ जी हाँ जी। चलो अच्छा। ठीक है आंटी जी, सत श्री अकाल, फिर आएंगे आपकी रसोई खाली। खुश रहो बेटा, खुश रहो, जरूर आना। हाँ चलते हैं आंटी जी। चलो पैरी पुना। खुश रहो बेटा, ठीक से जाना। हाँ आंटी जी। चल भाई चलता हूँ मम्मी जी। चलो चल आजा भाई, चल जल्दी। बाय। हाँ सचदीप। हाँ जी। वो शर्मा आंटी कह रही थी वो मान की बेटी
क्या नाम है उसका, अमन, वो भी तेरे साथ ही पढ़ती है कॉलेज में। कौन अमन? लो, अब तुम अमन को भी भूल गए। एलकेजी से लेकर 12वीं तक साथ में पढ़े हो तुम लोग। क्या क्या हुआ? जब से लड़की के बारे में पता चला है ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या हो गया? क्या बात है, गाड़ी क्यों रोक दी? तू पहले हम लोगों को ये बात बता। तू हम लोगों को बेवकूफ समझता है? क्या मतलब है तेरा? क्या मतलब? तू अमन के साथ केजी से पढ़ा है? केजी से नहीं भाई जी, एलकेजी से। हाँ हाँ हाँ, और तू ऐसा शो कर रहा है कि तू उसे जानता ही नहीं, क्यों भाई? ये चक्कर क्या जनाब? कोई चक्कर नहीं है भाई, हद हो गई तुम्हारी। देख दीप, तू सीधा सीधा बता दे हमें, नहीं तो अभी अमन से जाकर पूछेंगे। सारी बात बताऊं? हाँ जी सारी बातें, मिर्ची लगा के जल्दी बोल। यार एक्चुअली बात ये है कि इतने ड्रामे ना कर, जल्दी कर, क्या करता है यार ये? मैं अमन से प्यार करता हूँ। ओ तेरी बहन की, सॉरी यार, सॉरी भाई, इसकी बात सुनकर गाली निकल गई मुंह से। अच्छा, कभी से? खास ले, जोर से खास ले। एलकेजी से। अमन भी तुझसे प्यार करती है? पता नहीं यार। लो जी, उसे पता है इस बारे में? मेरे ख्याल से नहीं। क्यों? यार मैंने कभी बताया नहीं। तेरी बहन की। कभी किसी और को बताया कि तू अमन से प्यार करता है? यार तुम लोग पहले हो यार। तेरी बहन की। ओ तेरी। यार दीप तू कैसा बंदा है यार, तेरा दिल नहीं करता तू जाके अमन को अपने दिल का हाल सुनाए? दिल तो करता है यार, क्यों नहीं करता? तो जाके कहता क्यों नहीं है बेवकूफा? यार हिम्मत ही नहीं होती। ओ तेरी बहन। Oh,
भुरी हाय हाय तो अमन के पांच भाई हैं। पांचों के पांचों हार्डकोर देसी जट। अरे यार वो तो सारी फैमिली है। क्या हुआ? पागल हो गया? क्या हुआ? वो बता दो क्या हुआ? वो यार शेरू अपना दीप हिंदू बनिया है और अमन प्योर जट और उसपे पांच भाई वो भी जट। तो इसमें क्या हो गया? तो ना क्या है भाई, तू बंदा है एक नंबर का डरपोक। तेरे जैसा मुर्गा मारकर रोज खाते होंगे दारू के साथ, वो भी बिना डकार के। अब तो वो तेरा वो हाल करेंगे कि सोच के हंस लेना ही बेटर है, बाद में तो रोना ही है। क्यों शेरू? सही कह रहा है भाई। वैसे दीप तेरी बहुत पिटाई होने वाली है भाई, सच बता रहा हूँ। मुझे तो सोच सोच के हंसी आ रही है। और वैसे साले तुझे और कोई लड़की नहीं मिली इश्क लाने के लिए? अरे तू क्यों इतना हंस रहा है? अपना केस नहीं दिखता? ठीक से नाम तो लिया नहीं जाता तुझसे। प्रियंका प्रियंका करता फिरता है। ओए मारुति में मिट्टी का तेल नहीं डालते? मारुति में मिट्टी का तेल? तुझे क्या हो गया? तेरा भी केस बनने वाला है, फिकर ना कर। मेरा कौन सा केस? वो सिम्मी तेरे पीछे पड़ी हुई है। अरे चल बे। ये देख दी, इनकी जोड़ी का तो कोई मेल भी नहीं, एक पड़ाकू तो दूसरा डब्बू। इनकी जोड़ी तो कितनी और लगेगी। अबे तुझे क्या हुआ, अपनी बेइज्जती पे खुद ही हंसे जा रहा है? अबे नहीं यार, अबे क्या सोचना, असल में मैं उसके बारे में सोचता हूँ ना तो मेरी हंसी निकल आती है। वैसे ये बात तो है। यार एक बात बता। हाँ। किरण बेदी सच में मेरे पीछे पड़ी है? ले और नहीं तो क्या? तेरा तो केस बनने वाला है गुरु। ले, ऐसा कैसे केस बन जाएगा? मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लो, लेकिन वो बुरी लड़की तो है नहीं? बुरी? मैंने कब कहा कि वो बुरी लड़की है, बस मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। लो, एक तरफ तो कहता है कि तू उसको भुलाना चाहता है और दूसरी तरफ तू उसको भूलना ही नहीं चाहता। देख मेरे भाई, जो जख्म अपने लिए अच्छा ना हो उस पर किसी को मरहम लगाने से नहीं रोकना चाहिए। अबे लेक्चर देना बंद कर, अच्छे खासे मूड को खराब कर देते हो। चलो ठीक है यार, नहीं बात करते इस बारे में। अच्छा गुरी, उसका नाम तो बता, क्या नाम था? आंखें क्यों दिखा रहा है? हमारी लड़कियों के बारे में तो सब पता करता फिरता है और अपनी वाली का तो नाम भी नहीं बता रहा है। चल इतना तो बता दे यार, और आगे कुछ मत बताना। रीटा। रीटा? रीटा। सॉरी यार पर रीता। और रीटा, ओ यार रीटा है ना, अपने कमरे में एक चिपकली है ना, उसका नाम भी है रीटा। अरे रुको तो, भाग तुम लोगों की तो भी रुको रुक भाग है। बा
बाबा वे कला मरोर ओइन कुड़िए लाडे जोर बाबा मारन डाबा नहीं तू हो जू खून खराबा कहना गरगड़ता अड़ गया धक्का लो दी नुसा चढ़ गया वे कला मरोर लल्ला वावा लल्ला वावा लव हो गया, लव हो गया तेरे नाल कुड़िए लल्ला वावा लव हो गया नी तेरे नाल कुड़िए यहाँ से यहाँ तक ही रह भाई लल्ला वावा लल्ला वावा लव हो गया नी तेरे नाल कुड़िए ओ छोड़ दो अरे छोड़ दो क्या कर रहे हो तुम लोग छोड़ दो ओ ओ बद्दुआ लगेगी मेरी तुम लोगों को छोड़ दो अरे मेरा मुंह धो दिया ओ शिट यार हाँ जी प्रियंका जी मैं अभी फ्री हूँ जी हाँ जी ठीक है जी ठीक है जी मैं अभी आया जी दो मिनट में ठीक है जी ओए रब्बा मैं क्या करूँ भाई क्या हुआ भाई आज उसने मुझे पहली बार वहाँ बुलाया है पहली बार वहाँ बुलाया है कहाँ वो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वो अपना STD STD CCD यार अच्छा हाँ भाई भाई CCD आज मेरी उसके साथ पहली डेट है सच्ची हाँ वो वहाँ प्रियंका हाँ मैं यहाँ खड़क शेर सिंह पहली बार CCD डेट थैंक यू भाई गुरी थैंक यू भाई शाबाश शाबाश भगवान का लाख लाख शुक्रिया मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ सबसे पहले तो होश में आ जा और जल्दी से अच्छे कपड़े पहन ले अच्छा सुन शेरू तुझे जीप चलाने आती है ना भाई ना तो उसको क्या रिक्शे में ले जाएगा मुझे तो एक ही गाड़ी चलानी आती है भाई कौन सी और कोई दूसरी गाड़ी नहीं ला सकते थे व्हाई आर यू पंजाबी गाइस सो क्रेजी अबाउट ट्रैक्टर्स कोई नहीं प्रियंका जी ट्रैक्टर से बढ़िया सवारी कोई होती ही नहीं है ओ जी हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं ना वहाँ पे पहुँच जाएंगे दो मिनट में बस हाँ ये लो जी आ गया आपका CDC आ जाओ जी आ जाओ लो जी फिर पहुंच गए हम लोग आया ना मजा हाँ इट वॉज फन फिर चले अंदर क्यों तुम्हें भूख लगी है नहीं जी भूख तो नहीं लगी है पर धूप में खड़े रहकर बात तो नहीं कर सकते ना ओ माय गॉड आई एम सो सॉरी शेरू बट मेरे पास तुमसे बात करने के लिए टाइम नहीं है एक्चुअली मैं शिवेंद्र से मिलने आई शिवेंद्र से एक्चुअली मैं एक दो बार पहले भी मिल चुकी हूँ बातें तो हो नहीं पाई पर वो मुझे बहुत अच्छा लगता है आई रियली लाइक हिम अ लॉट तो आज हमारी पहली ऑफिशियल डेट है डेट या फिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया ऑब्वियसली बात यह है शेरू मैं लेट हो रही थी और मेरी गाड़ी भी खराब हो गई थी तो मुझे कुछ और सूझा नहीं कि मैं क्या करूं सो मैंने तुम्हें फोन कर दिया क्या बात है तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया वी आर फ्रेंड्स राइट इससे पहले भी यारी दोस्ती में तुमने बहुत काम किए हैं एंड तुम हंस के कर देते थे मुझे लगा कि आज तुमने मुझे किसी काम के लिए नहीं बुलाया फिर तुम्हें क्या लगा ओ कि मैंने तुम्हें डेट पे बुलाया है हाँ आर यू आउट ऑफ योर माइंड पता नहीं तुम लड़कों का क्या प्रॉब्लम है मैंने तुम्हारे साथ दो बातें क्या कर ली तुम्हें लगा कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ तुम्हें ऐसा क्यों लगा ऐसा मैंने तुमसे कभी कुछ कहा कहा तो मैंने भी कुछ नहीं पर दिल की फीलिंग से तो सब पता चल जाता है ओ माय गॉड यू नो व्हाट तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारी प्रॉब्लम है मेरी नहीं मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है आफ्टर ऑल तुम्हारा मेरा कोई मैच नहीं मैं कनाडा रिटर्न लड़की हूँ और तुम कभी दिल्ली तक भी नहीं गए हो आई मीन वी हैव नथिंग इन कॉमन एक्चुअली तुम्हारी हाइट भी तुम उससे कम है वैसे तुमने इस बारे में ऐसा सोच भी कैसे लिया गॉड नोज सोचा ही तो नहीं मैंने तो फिर आराम से बैठ के सोचना एंड प्लीज आज के बाद मुझसे बात करने की जरूरत भी नहीं है ए,
love me like you do. और भाई संभाला है मोर्चा? क्या हुआ भाई? क्या हो गया? सोच रहे हो? कुछ नहीं। तो तू आज अकेला क्यों बैठे है? दीप कहाँ है? हॉस्टल में। शेर नहीं दिख रहा दो दिनों से क्लास में। इनफैक्ट मैंने तो तुम तीनों को एक साथ देखा ही नहीं। कभी दीप दिखता है, कभी तू। तुम्हारा कोई झगड़ा हो गया है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। पर कोई तो बात है, नहीं तो तू ऐसे उदास नहीं होता। तू तो आज मुझे देखकर चिढ़ा भी नहीं। चल, नहीं बताना तो मत बता, बस इतना बता दे सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है, शेरू का हाल बहुत बुरा है। शेर, क्या हुआ उसे? प्यार कर बैठा बेवकूफ। बहुत समझाया था पर माना नहीं और दिल टूट गया। अब दर्द सहन नहीं हो रहा है। मेरे हीरे जैसे दोस्त को मिट्टी की तरह कुचल दिया उस लड़की ने। किसने? अपने क्लास में है ना, प्रियंका। प्रियंका? पर उसकी तो शेर के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। बस वो उसे यूज करती रही और इसे लगता रहा कि वो प्यार का हक जता रही है। और जब तक उसे समझ आई तब तक पता चला कि वो और किसी को पसंद करती है। प्रियंका,
किसी और को पसंद करती है? थर्ड ईयर स्टूडेंट साबू। साबू? पर ये कैसे हो सकता है? क्यों? अरे साबू तो मेरी रूममेट को पसंद करता है। क्या? हाँ, शिवानी ने मुझे कई बार कहा है। साबू ने उसे फलाना गिफ्ट दिया, फलाने जगह पर डेट पर लेकर गया, फलाना कार्ड दिया। This is for you. Thanks. And ये भी तेरे लिए। And ये भी तेरे लिए। इतने सारे गिफ्ट। प्रियंका, तू यहाँ पर क्या कर रही है? ये कौन है शिवेंद्र? तूने इसे थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि मंडे को तेरी जगह मैं यहाँ बैठी थी और ये गिफ्ट्स ये मुझे दे रहा था। बास्टर्ड। शिवानी, ये गिफ्ट। यहाँ है। क्या हुआ प्रियंका, तू यहाँ बैठी है? क्लास के लिए नहीं चलना? क्या बात है प्रियंका, तू कब तक शिवेंद्र के बारे में सोच सोच कर अपसेट रहेगी? वो इतना डिजर्व नहीं करता। मैं उसके बारे में सोच के परेशान नहीं हूँ, मैं ये सोच के परेशान हूँ कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर ली, ऐसे गलत लड़के के चक्कर में कैसे फंस गई मैं। प्रियंका, जो बीत गया उसे छोड़, आगे के बारे में सोच। आज फाइनल असाइनमेंट सबमिट करवाना है, लेकर आई है? वो तो मैंने की ही नहीं। इतना टाइम था, क्यों नहीं किया? अब तो कक्कड़ सर बहुत डांटेंगे तुम्हें, फेल हो जाएगी। चल कोई बात नहीं, किसी तरह कक्कड़ सर से रिक्वेस्ट करके एक्सटेंशन ले लेंगे। चल। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक कि इस मेजर असाइनमेंट में मैंने तुम्हें काफी टाइम दिया ना? यस सर। पर इसके बावजूद भी एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने अपनी ये असाइनमेंट पूरी नहीं की, और ऐसा स्टूडेंट फेल होना ही डिजर्व करता है। शेर सिंह जी, तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज है अपनी असाइनमेंट ना सबमिट करने की? कोई ऐसा एक्सक्यूज जिसकी वजह से मैं तुम्हें एक बार एक्सटेंशन देने की सोचूं? नहीं, इट्स ओके। ठीक है, या तो एक साल और इस क्लास में रहने की तैयारी कर लो, या तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के गांव जाने की तैयारी कर लो। नाउ यू कैन गो प्लीज। पागल है यार, अपनी असाइनमेंट उसके नाम पर सबमिट कर दी। उसने तुम्हारी इतनी बेइज्जती की और तू अपना फ्यूचर खराब कर रहा है उसके पीछे। अजीब इंसान है यार ये। तू मुझसे कह रहा गुरी, जिसने एक लड़की के लिए पूरे 2 साल तक दुनिया से मुंह मोड़ रखा था, वो मुझसे कह रहा है? मेरी बात छोड़ दे, मम्मी पापा के बारे में सोच है? उन्हें क्या फील होगा जब तू फेल होके घर लौट जाएगा? वो तो खुशी होंगे। क्यों अपना करियर खराब कर रहा है? हम कक्कड़ से बात कर लेंगे, अगर तेरी डिग्री पूरी हो जाएगी ना तो अच्छी नौकरी लग जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी तेरी। ये डिग्री लेकर भी खेती करनी है भाई, तो वो बिना डिग्री लेके कर लो। दीप मत कर यार, मत कर। तुझे हुआ क्या शेरू यार, ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? मेरी बात समझो भाई, मैं यहाँ नहीं रह सकता, ये शहर मुझे जचा नहीं।
मतलब वो लड़की तेरे लिए सब कुछ है ना, दोस्तों की कोई कदर नहीं है। ऐसा मत बोल भाई, यारों से यारी तो हो सकती है पर लव नहीं हो सकता, क्योंकि मैं टेम्पो टाइप बंदा नहीं हूं। मत जा यार, एक बार फिर सोच ले यार। नहीं दीप, अब मुझे मत रोक यार। ओ सालू, बाहर तक तो छोड़ने आ जाओ यार। सामान तो उठा लो। ओए ओए, रीटा ने बॉयफ्रेंड रख लिया यार, वो भी गोरा। ये तो अपनी गुरी जैसा है ना। आ जाओ यार। Excuse me, Guri. Hi, Deep. Sheru कहाँ है? वो देख नहीं रहा है। तुमसे क्या मतलब है? Actually, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। तूने तो बोल दिया था जो बोलना था उस दिन। उसी बात के लिए तो मैं उसे sorry कहना चाहती हूँ। मुझे बाद में realize हुआ कि मैंने उसके साथ गलत किया। क्या कहा? ठीक नहीं किया तुमने। तुम्हें idea है कि तुमने उसके साथ क्या किया है? वो बेचारा दिन रात तुम्हारा नाम जपता रहता था। वो देखता रहता था कि प्रियंका मुझे कोई काम दे और मैं वो काम करूं। तुम्हारे नोट्स बनाने के लिए सारी रात जागता था और खाना खाने नहीं जाता था। यहाँ तक कि वो छुट्टी करके घर भी नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ रहती थी ना। तुमने उसका दिल तोड़ा है प्रियंका, फिर भी वो आखिर तक तुम्हारा नाम जपता रहा। तुमने सच कहा था कि तेरा और उसका कोई मैच नहीं, क्योंकि तुम मेरे दोस्त के सामने कुछ भी नहीं हो। चल जल्दी। मैं तुमसे सॉरी कहने आई हूँ। तुम उससे इतना प्यार करते हो, फिर भी मैंने तुम्हें इतना गलत ट्रीट किया। तुम्हारा दिल तो देखा ही नहीं, बस सिर्फ ये देखती रही कि तुम गांव के हो और मैं मॉडर्न, इसीलिए अपना कोई मैच नहीं। मैं सोचती रही कि तुम्हारा हाइट भी मुझसे कम है, बट आई वॉज रॉन्ग। यू आर सच अ नाइस पर्सन and I didn't even realize that you have a heart of gold. I guess really what I'm trying to say right here now, I hope you find it somewhere deep in your heart to forgive me, please. Will you share? Hai ji? Hai ji? Maine tumse itna kuch kaha aur tum usse haan ji keh rahe ho? Oh ji,
कद वाली बात के बाद तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। Oh my God, I'm so sorry. I guess emotional होके मैंने सब कुछ English में बोल दिया। ओ नहीं नहीं, sorry वाली कोई बात नहीं है जी। पर जो भी तुमने कहा सुनने में बहुत अच्छा लगा। कहा तो मैंने बहुत कुछ, पर असल में एक और बात कहना चाहती हूँ। क्या? क्या प्लीज विल यू डू मेंबरशिप विद मी? ओह अरे मैंने कहा खड़क शेर सिंह जी गांव पुंडड़ी नहीं जाना है भाई, गाड़ी जाने वाली है। ओ मैं क्या कह रहा हूँ भाई, अब तो चाहे आर्मी आ जाए आर्मी, ये जट कहीं नहीं जाने वाला। अरे मेरे यार शेरू, क्या बात है क्या बात है। हाय। ओ हाय। बैठ जाऊं? हाँ हाँ बैठो ना। ये क्या है? मैंने सोचा तो कुछ बोल ही नहीं रहा तो शायद पढ़ने आया हो। अरे नहीं नहीं, मैं तो दरअसल तुम्हें थैंक्स बोलने आया था। थैंक्स? वो किस लिए? शेरू के मैटर में हेल्प करने के लिए। चल अगर तुमने मुझे क्रेडिट देना ही है तो सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा। तो फिर क्या? अगर मैंने इतना ही अच्छा काम किया है तो मेरा गिफ्ट भी अच्छा होना चाहिए, नहीं? ओके। क्या चाहिए तुम्हें? देखो जी, दुनिया का सबसे पुराना उसूल है आंख के बदले आंख, जान के बदले जान। तो दिल के बदले। मेरी बात का जवाब तो देता जा। मैं इस सवाल का क्या जवाब दूं सिमी? हाँ ना, कुछ तो बोल प्लीज गुरी, कुछ तो बोल। मैंने कई बार तुझसे दोस्ती करने की कोशिश की पर तू मुझे अवॉइड करता रहा। क्या मैं तुझे इतनी बुरी लगती हूँ? वो बात नहीं है सिमी। तो फिर क्या बात है गुरी? देख, या तो तू मुझे सीधी तरह से ना बोल दे ताकि मैं कभी भी तुझे तंग ना करूं, या तो तू अपने इस बिहेवियर का रीजन बता। आखिर तुझे किस बात का डर है? फिर से दिल टूटने का। हर लड़की एक जैसी नहीं होती गुरी। तू एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देख।
एक पल च मेरा दिल तेरा सौ सौ बार होया, एक पल च मेरा मैं तुम्हें वही बता रहा था कि जब तुम हंसती हो तो बहुत अच्छी लगती हो। शर्मा जी आप बैठो। जी मैं आता हूं। जी ठीक है। सत श्री अकाल पापा, ये मेरी फ्रेंड सिम्मी है। सिम्मी ये मेरे पापा हैं। सत श्री अकाल अंकल। सत श्री अकाल बेटा। तुम बैठ जाओ बेटा, मुझे गुरु के साथ कुछ जरूरी बात करनी है। एक मिनट, यह लड़की कौन है जिसे लेकर तू पूरे शहर में घूमता फिरता है? पापा ये सिम्मी है, मेरी क्लासमेट। यही बात है बस या कुछ और? पापा मैं सिम्मी से प्यार करता हूँ। हम्म। और मैंने ये सोचा है कि सिम्मी ही मेरी लाइफ पार्टनर होगी। अच्छा, तूने सोच लिया है जी। बिना मेरे साथ सलाह मशवरा किए तूने ये फैसला भी कर लिया है? इसमें गलत क्या है पापा? मेरी लाइफ पार्टनर मैं ही पसंद करूंगा ना। ये तेरे सिर्फ लाइफ पार्टनर का सवाल नहीं है काके, मेरा भी कोई रिश्ता जुड़ेगा उस लड़की के साथ और उसके घर वालों के साथ। तुम्हें उसकी फैमिली के बारे में कुछ पता है? पता क्या करना है, अच्छी लड़की है, इंटेलिजेंट है, उसके पेरेंट्स टीचर हैं, और क्या चाहिए। मैं तो समझता था कि तू सिर्फ पढ़ाई में नालायक है, तू तो पैदा ही बेवकूफ हुआ है यार। काका रिश्ता जोड़ने से पहले देखना होता है कि लड़की के घर वालों की हैसियत क्या है। मेरे लिए बातें मायने नहीं रखती पापा। तेरे लिए नहीं करती होंगी पर मेरे लिए करती हैं। तो आई एम श्योर इस लड़की ने सारी बातें सोच समझकर ही तेरे साथ दोस्ती की है। क्या मतलब है आपका? मतलब साफ है काका, इस मिडिल क्लास लड़की ने अमीर और ऊंचे घर का लड़का देख कर ही यह रिश्ता जोड़ा है। पापा प्लीज। नहीं गुरी, तेरे पापा ठीक कह रहे हैं। सिम्मी हाँ You are right, अंकल। मेरे जैसी मिडिल क्लास लड़की को गुरी जैसा अमीर लड़का तो मिल ही नहीं सकता। पर अंकल जी, अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं होती। मुझे आपके पैसे का कोई लालच नहीं, मैं तो प्यार करती हूँ गुरी की दिल की अमीरी से, इसकी सोच से, इसके अंदर के कवि से, इसकी इंटेलिजेंस से। किसको बेवकूफ बना रही है बेटा जी, ये कवि और इंटेलिजेंट? क्यों आप हैरान क्यों हो गए अंकल? क्योंकि बेटा जी मैं अपने लड़के को अच्छी तरह से जानता हूं, ये जो भी हो इंटेलिजेंट तो नहीं हो सकता। तुम जानती हो पिछले 2 सालों से लगातार ये फेल हो रहा है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि ये नालायक है, कोई और भी तो कारण हो सकता है। और क्या कारण हो सकता है सिवाय नालायकी के? ये भी तो हो सकता है कि ये परेशान हो, उदास हो और चाहता हो कि कोई अपना ही से समझे। मैं सब समझता हूँ बेटा जी,
तुम्हें इससे मिले 2 दिन भी नहीं हुए हैं और तुमने मुझे लेक्चर देना शुरू कर दिया। अगर तुम्हें इस पर इतना ही यकीन है तो तुम भी कोशिश करके देखो, देखता हूँ कि ये क्या करता है। ठीक है अंकल जी, अगर बात मेरे प्यार के यकीन की है तो मैं भी आपसे शर्त लगाती हूँ, या तो गुरी इस बार पास होगा या फिर कभी भी मैं आपके सामने नहीं आऊंगी। एक मिडिल क्लास लड़की का वादा है आपसे। ले पकड़। अरे यार गुरी, कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? ये सब कुछ क्या कर रहा है? सफाई कर रहा हूँ कुंडी, बहुत हो गया टाइम पास, अब बस मेहनत करने का टाइम आ गया है। यार जितनी मेहनत करनी है मन लगा के कर, पर मेरा बिजनेस क्यों ठप कर रहा है? तुझे तो पता ही है कि तू मेरा सबसे बड़ा कस्टमर है यार। किताबेला, मेरी बात मान, तू भी ये सब छोड़ के थोड़ी सी पढ़ाई कर ले। अरे यार मैं पढ़ाई करके क्या करूंगा, मुझे क्या कोई दुकान खोलनी है? मुझे भी अपने बाबू का ठेका ही संभालना है। तो तू अपने ठेके संभाल, मुझे अपना प्यार संभालने है। यार गुरी तू तो पहले से बहुत चेंज हो गया, तू अब पहले जैसा गुरी नहीं रहा। हाँ ये बात तो सही है। सच्ची यार, किसी ने सच्ची कहा है कि प्यार बड़ी कुत्ती चीज होती है। लेके इधर आ गए। वाह भाई वाह, मुझे तो एक बात ही समझ में नहीं आती है भाई जी, कि तू अमन से प्यार करता है कि नहीं करता है? हैं? मैं पूछता हूं प्यार करता है कि नहीं? यार तुझे पता है ना यार, अमन को देखे बिना मैं रह नहीं सकता। तो आज तुझे अमन के पास जाकर उससे बात करनी ही चाहिए। तू अगर सच में अमन को अपनाना चाहता है तो आज तो तुझे हिम्मत करनी ही पड़ेगी। पर यार उसकी तो शादी तय हो गई यार। अभी तू कैसा बंदा है यार? अब सोच मत भाई, नहीं तो सारी उम्र पछताता रहेगा कि काश काश मैं उस दिन बाहें खोल के उसको रोक लिया होता। चल उठ यार, चल चल, चल जल्दी चल मेरे भाई चल। देख भाई यही मौका है, चक दे फट्टे शेर बन। आज नहीं कह पाया तो समझ ले कभी नहीं कह पाएगा। अमन, तुम सोच रही होगी कि मैं आज एकदम यहाँ क्यों आया। दरअसल अमन, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। दरअसल अमन, बात यह है कि यार मैं कितना कुछ सोच के आया था, पर पता नहीं क्यों मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा है। सच में अमन, दिल की बात कहने के लिए कोई और ही बोली होती है, आंखों की बोली। अगर तुम्हें यह बोली समझ में आती है तो अपनी आंखों से मेरी आंखों में देखो और मेरे दिल की बात पढ़ लो। अमन जरा जल्दी पढ़ लो, मैं ज्यादा देर अपनी आंखें खुली नहीं रख सकता। तुम्हारी आंखों की बोली तो मैं कई सालों से सुन रही हूं।
अमन तुझे पता है अमन? इसलिए तो मैं कैंटीन में कार छोड़कर आई थी। पर कब से? शायद पहले दिन से। पर फिर तूने कभी कुछ कहा क्यों नहीं यार? जब तुमने कुछ नहीं कहा तब मैं कैसे कहती? यार मैं तो हमेशा यही सोच के डरता रहता था कि शायद तेरे जैसी लड़की मेरे जैसे लड़के को पसंद ना करे। मैं तो बस दो कदम दूर खड़ी तुम्हारा वेट करती थी, पर तुम कभी आए ही नहीं। पर मैं अब तो आ गया ना। अब कुछ नहीं हो सकता दीप, मेरे घर वालों ने मेरी शादी फिक्स कर दी है। अमन प्लीज ऐसा मत कहो और इस मोड़ पे आके अपना मुंह मत फेरो। अपने पास कोई रास्ता नहीं है दीप, ना तो मैं ऐसी लड़की हूँ जो घर के खिलाफ जा सके, और ना तुम ऐसे लड़के हो जो सारी दुनिया के सामने मेरा हाथ थाम सके। अपने प्यार की कहानी बस यहीं तक थी। ये लड़का कौन है अमन? ये जो भी है इसका वो हाल करो कि दोबारा हमारी बहन को देखे भी ना। भाई मुझे दीपिका पादुकोण में भी प्रियंका ही दिखती है। ये देख गुरी, अपने गर्ल्स हॉस्टल में अपने दीप को कितने सारे लोग मिलके मार रहे हैं। साबू, आज सच में मुझे लड़ने का टाइम नहीं है। तेरे पास तो कभी टाइम नहीं होता गुरी, आज मेरे पास तो बहुत टाइम है। आज सोचता हूँ सारे हिसाब किताब निपटा लूँ। दीप की जान खतरे में है, हमें जाने दे। अगर हिम्मत है तो जाके दिखा। पेशेंट को ब्लड की जरूरत है, आप लोगों को अर्जेंटली ओ पॉजिटिव ब्लड अरेंज करना पड़ेगा। मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। आंटी आपका? बी पॉजिटिव। तेरा? मुझे पता ही नहीं, मैंने तो कभी चेक ही नहीं करा। तो अभी जाकर चेक करा। मैं हॉस्टल फोन करता हूँ, किसी का ब्लड। किसी को फोन करने की जरूरत नहीं, मेरा ब्लड ओ पॉजिटिव है। I'm sorry, गुरी। मुझे सच में नहीं पता था कि वो लोग दीप को मार रहे हैं। अपने बीच चाहे जो मर्जी चलता रहे, पर मैंने कभी नहीं चाहा कि कोई बाहर से आकर हमारे कॉलेज के लड़के को मार के जाए। मैं सच में सॉरी फील कर रहा हूँ यार। जितना ब्लड चाहिए मैं दे दूंगा, आप फिक्र मत करो आंटी। शिवेंद्र, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। बात सुन गुरी, मेरे पास फालतू बातें करने का टाइम नहीं है, मैं ब्लड देने जा रहा हूँ। उठ गया मेरा बच्चा?
सब ठीक हो जाएगा। तू बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। मम्मी प्लीज, तुम रो मत प्लीज, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आंटी, दीप बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र न कीजिए। वाहेगुरु ने बहुत बड़ी मेहर की है मुझ पर। बेटा, मैं गुरुद्वारे मत्था टेक के आती हूँ, वाहेगुरु का धन्यवाद करना जरूरी है। मैं अभी आई। हाँ तुम लोग दीप के पास बैठो, मैं आती हूँ। जी आंटी। हाँ भाई। अबे यार, तूने तो हम लोगों को सच में डरा दिया था। दो दिन से हमारी जान सूली पे लटकी हुई है। हाँ भाई, सच ही बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है यारो। देख भाई, कच्चे के दो साइड होते हैं, एक दिन सीधा करके पहन लिया, दूसरे दिन उल्टा करके पहन लिया। जो आज भी तुझे होश नहीं आता तो पता नहीं फिर क्या करते यार। अरे यार हंसा मत यार, बहुत दर्द हो रहा है यार। तेरे इस दर्द के लिए मैं जिम्मेदार हूँ यार। आई एम सॉरी यार दीप। अरे नहीं यार गुरी, सॉरी मत बोल प्लीज, उल्टा मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाह रहा था। मार खिलाने के लिए? नहीं, मेरा प्यार मुझे दिलाने के लिए। क्या मतलब? अगर जबरदस्ती तू मुझे उस दिन अमन के पास नहीं भेजता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि अमन भी मुझसे प्यार करती है। क्या बात कर रहे? हाँ यार, आज तेरी वजह से 12 साल में मुझे पहली बार पता लगा कि अमन भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं अमन से करता हूँ, वो भी पिछले 12 साल से। ओ तेरी बैंड दी ओए। घूरता क्या है यार, गाली निकल ही जाती है ऐसी बात सुन के। अपना भाई तो पहले ही पागल था, उस पे वो भी पागल निकले, ये पता नहीं ना मेरे को। मेरे को तो टेंशन हो रही है भाई, इनको दिल की बात बोलने में 12 साल लग गए, सुहागरात में पता नहीं कितना टाइम लगाएंगे ये लोग। हाँ पर जो भी है, रब ने जोड़ी बढ़िया बना दी। जोड़ी बनी कहाँ यार, अभी तक 15 दिन बाद अमन की शादी है और मैं यहाँ हूँ। अरे यार गुरी, ऐसा दर्द तो मैं एक बार नहीं 100 बार सह सकता हूँ, पर अगर अमन किसी और की हो गई ना यार, मैं तो सह नहीं पाऊंगा। फिकर मत कर दीप, तू बस सेहरा पहनने के लायक हो जा। हम अमन को लाने उसके घर जाएंगे, तू होगा दूल्हा, हम होंगे बाराती। काला शाकाला, काला शाकाला, मेरा काला है सरदार, गोरियां दफा करो, गोरियां दफा करो, मैं आपके लिए दीदार। काला शाकाला, ससड़िए तेरे पांच पुत्र दो ए भी दो शराबी। अरे यार, यार ये तो खाली हो गई। और मंगाओ जाके अमन का हाथ पकड़ ले। भीड़ बहुत है यार। मैं जाके अमन के पापा को बोलता हूँ कि पंडाल खाली करो। तू जमाई लगता है क्या उनका, जो तेरे को लड़की के साथ अकेला छोड़ देंगे? यार बड़ा पंगा ना हो जाए। अबे पंगा तो ले चुके हैं, अब तो पंगा खत्म करना है, या आर या पार। जा इसकी कुटाई पक्की है, अपने पास अभी भी मौका, निकल लेते हैं। मैं तो तेरा दिल देख रहा था, लड़ने को तैयार है। आज तो मेरे पास लड़ने का टाइम भी है और बस कोई सामने आ जाए। इतनी मार खा के आज फिर आ गया, आज तो नहीं बचेगा।
क्या कर रहा है तू? मम्मी, ये वही लड़का है जिसे उस दिन मारा था। लगता है कोई कसर रह गई। आज इसे बता देता हूँ हमारी बहन का हाथ पकड़ने का अंजाम क्या होता है। तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है, उसको गोली मार के तू फांसी पे चढ़ेगा। ए हट जा बे, तू बीच में मत आ मम्मी। ये हमारी इज्जत का सवाल है, हमारी इज्जत के आगे कोई जिंदगी नहीं है, ना तेरी ना मेरी। आई पिस्तौल मुझे दे। रुक जाओ काका। बापू, इसकी हीरोगिरी तो मैं निकालता हूं। ये लड़का बिना किसी सपोर्ट के सब नहीं कर सकता। क्यों अमन, तू इसको जानती है ना? जानती है कि नहीं? तू इस लड़के को पसंद करती है? बोल ना। हाँ। फिर तो मेरी अमन की शादी ऐसे ही लड़के से होनी चाहिए। ये क्या कह रहे हैं बापू, क्या हो गया आपको? ये लड़का हिंदू है, हम जटों का जमाई कैसे हो सकता है? ओ काका, आजकल इस सब का क्या फर्क पड़ता है? और तुमने एक चीज नहीं नोट की, जिस तरह इस लड़के ने आके सबके सामने अमन का हाथ पकड़ा है, ऐसा हिम्मत वाला काम कोई जाट ही कर सकता है। वो तुम लोग लड़के का धर्म मत देखो, इसकी हिम्मत देखो, हिम्मत। और जो लड़का मेरी लड़की की खातिर अपनी जिंदगी दांव पे लगा सकता है, वो उसको खुश रखने के लिए पता नहीं क्या कर जाएगा। वो क्यों भाई? खुश रहे अमन। वो आजा भाई, आजा काके। चलो भाई लड़कों, अपने जीजा के गले लगो, करो उसकी सेवा सुआ। तेरा लीवर चेक करने की बारी है। आज रात कट टू कट, तो बोतल तो पीना ही है। ओ भाई, ले आओ ग्लास जल्दी। अहे बल्ले बल्ले। इतने आ गए? तेरे इंग्लिश में 79%, तेरे भी इकोनॉमिक्स में 85%, तेरे भी, और दोनों के पॉलिटिकल साइंस में 75। प्रियंका तेरे कितने आए? 37। 37%? ओह, आई गॉट 42%। व्हाट? ओए, ये क्या हो गया? हाउ इज दैट पॉसिबल? 42%, ये देख। बेटा, इसकी माँ हमारे दोनों के बीच का बंधन थी, पर उसके जाने के बाद मुझे लगा था मैं इस लड़के को गवा बैठा हूं। पर बेटा, तूने इसे वापस लाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू बेटा। आई एम सॉरी पापा। ना यार ना, सॉरी नहीं कहना। बेटा तो बाप की मूछ होता है, जो चुपती तो बहुत है पर मान भी बहुत बढ़ाती है।
हाँ, तू तो मेरी अकड़ है यार। सॉरी कहने से अकड़ खत्म हो जाती है। पापा। अंकल जी, आप तो 60% पर ही इतनी अकड़ दिखा रहे हो। जो अगली बार गुरी ने इससे भी ज्यादा नंबर ले लिए तो फिर क्या करोगे? क्या कहा? इससे भी ज्यादा? क्यों, इसमें कोई शक है? तो लगा लो शर्त। शर्त तो तेरे साथ लगानी है बेटा, लेकिन अब की ऐसी शर्त लगाऊंगा जो कि सिर्फ मैं जीतूंगा। ऐसी कोई शर्त हो ही नहीं सकती जो मैं हार जाऊं। अच्छा, तो लगा ले फिर शर्त। तेरी डिग्री खत्म होते ही तू इसी जगह पर खड़ी होगी और तूने लाल जोड़ा पहना होगा और हाथों में शादी की चूड़ियां, और तू मुझे कहेगी, पापा चाय पी लो। जो है हिम्मत तो लगा ले शर्त। मुझे पता है मेरे बच्चों। बाबा वे कला मरोर, ओ इन कुड़िये लाडे जोर। बाबा मारन डाबा नहीं तू हो जू खून खराबा। तू कहना गर गड्डी दा अड़ गया धक्का लौंदन शाह। चढ़ गया वे कला मरोर। यार 3 साल कहाँ चले गए, पता ही नहीं चला। यार यार मेरे तो 5 साल लग गए हैं, पर अब भी ये कॉलेज छोड़कर जाने का दिल नहीं करता। कोई नहीं यार, एक ना एक दिन तो सबको जाना ही था। मुझे ये लगता है कि मैं ये कहूंगा कि मैं कक्कड़ को बहुत मिस करूंगा। ओए। यार एक बात बताओ यार, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम अपने अपने कामों में इतने बिजी हो जाएंगे कि हम लोगों को एक दूसरे से मिलने का टाइम भी नहीं मिलेगा? ओ नहीं नहीं भाई, ऐसा मत बोल यार। हाँ हम मिलेंगे यार जरूर, पर हम लोग रोज रोज तो नहीं मिल सकेंगे। कि सारे सारे दिन कॉलेज में इकट्ठे रहना, उल्टे पंगे लेना, गप्पे मारना, ये सब कुछ नहीं होगा यार। अब तो कॉलेज की मौज मस्ती खत्म, अब जिंदगी की भागदौड़ शुरू। मेरा भी दिल तो नहीं करता है भाई, पर बात तेरी सही है दीप, हम तीनों की हालत बहुत खराब होने वाली है भाई। जिंदगी बड़ी अजीब चीज है यार, कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ना ही समय और ना ही इंसान। टाइम के साथ हम भी बदल जाएंगे, पर एक चीज है जो कभी नहीं बदलेगी, वो है इस कॉलेज में गुजारे टाइम की याद। ये झप्पियां, ये मस्तियां, ये यारियां हम नहीं भूलेंगे। जब भी हमें ये दिन याद आएंगे, हंसा के ही छोड़ेंगे। अरे बोले भाई, क्यों बैठी है वो? हाय गाइस। हाय व्हाट्सअप। यार गुरी एक बात बता भाई, अपनी चीजें भी चेंज हो जाएंगी। और क्या, टाइम किसी को नहीं बख्शता शेरू। ओ नाना यार टॉपिक चेंज चेंज करो भाई, अच्छी बात करो कोई। भाई गुरु भाई गुरु। Hey, how is तुम तीनों अभी भी यहाँ बैठे हो? उधर फेयरवेल पार्टी शुरू होने वाली है, चलना नहीं है? भाई ऐसी पार्टी तो हमारे जाने पर ही शुरू होगी। और वैसे भी वहाँ पे अब तक बंदर वंदर आए होंगे, क्यों? और क्या, असली शेर तो हम लोग हैं। ओहो, तेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती। बड़े चेते आउंदे ने यार अणमुल्ले, हवा दे बुल्ले
यार ये रीटा के बच्चे भी हो गए। यार बात सुनो, इसकी बच्चे की शक्ल अपने डायरेक्टर साहब से मिलती है।